इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था इत्तेहाद, एतमाद और कुर्बानी, यानी यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। सुभाष चंद्र बोस इस सेना के कमांडर इन चीफ थे। आप अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको आजाद हिंद फौज के एक सिपाही से मिलवाने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक शिमला के ऐतिहासिक अंबेडकर चौक से ये हुए हम रवाना। टूटू से होते हुए हम पहुंच रहे हैं घनाहट्टी बाजार। अगला महत्वपूर्ण स्टेशन आता है शालाघाट। यहां से एक रास्ता अर्की के लिए बाहर गेट होता है। हम तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही चलेंगे। इस हाईवे पर अगली महत्वपूर्ण जगह का नाम है दाड़ला घाट। कभी दूध घी के लिए मशहूर दाड़ला अब सीमेंट के लिए देश भर में जाना जाता है। सड़क काफी चौड़ी है और मेंटेन्ड भी। ये है ब्रह्मपुखर। यहां से आप सीधे बिलासपुर जा सकते हैं और अगर बाईपास करना हो तो दूसरा रास्ता सीधा घागस पहुंचा देता है। हमने बिलासपुर वाला रास्ता लिया है। बिलासपुर की क्या बात है। और ये देखिए बंदला धार का नजारा, अनुपम। क्योंकि हमारा गंतव्य है बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर आगे गांव कोटलू ब्राह्मणा, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर। आजाद हिंद फौज के सिपाही सुखराम जी के गांव से कुछ पहले आता है ये छोटा सा सुंदर कस्बा बद्धा घाट। यहां से अब लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी बाकी बची है। तो अब चलते हैं कोटलू ब्राह्मणा। ये पूरा इलाका तेज गर्मी के लिए भी मशहूर है और अच्छी ठंड के लिए भी। इसी गांव में रहते हैं आईएनए के बहादुर सिपाही श्री सुखराम। कोटलू ब्राह्मणा की खूबसूरती तो आप देख ही रहे हैं। ये है सुखराम जी के हरे भरे खेत। सुखराम जी का जन्म 30 नवंबर 1923 को बर्ठी के साथ लगते गांव टीरी में हुआ। पढ़ाई लिखाई कोई ज्यादा नहीं कर पाए और इसी बीच 16 की उम्र में ब्रिटिश फौज में भर्ती हो गए और लड़ाई लड़ने के लिए सिंगापुर मलाये चले गए। युद्ध के दौरान जब इन्हें 6 गोलियां लगी तो सुभाष चंद्र बोस इन्हें अस्पताल ले गए। युद्ध में 6 गोलियां भी लगी और दुश्मन की फौज ने इन्हें कैद कर लिया। जेल में 2 साल रहे। इनका कहना है कि जेल से छूटने की कोई आस नहीं थी कि इसी बीच आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने सभी कैदियों से जेल में चोरी छिपे संपर्क किया। लेके कौन गया था? आदमी चुपचाप आते थे, कुफिया ही आते थे। वो कहते थे हमें खून दो। अच्छा। हम तुमको जानी दें। अच्छा जी। फिर गोलियां कितनी लगी हैं तुम्हारा? 6 गोलियां। अच्छा। तो ये बताते थे कि हमें किस किस्म की यातनाएं उस दौरान दी जाती थी जब हम बंदी थे। ना पेट भर खाना मिलता था, ना कुछ और यहाँ भी जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वो इनको ढूंढते फिरते थे और ये छुपते फिरते थे। इसी तरह का खेल चला। और जब आज़ाद हिंद फौज में ये रहे उसके बाद सरकार ने, जब राजाओं के राज खत्म हो गए तो ये फिर अपना जीवन फौज को छोड़ के घर आ गए। और घर में आने के बाद इन्होंने फौज से आने के बाद शादी की और शादी के बाद ये अपना परिवार सहित यहीं कोटलू में रहे और अभी तक यहीं हैं। मैं भगवान से इनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। तो इस तरह सुखराम जी ने ब्रिटिश सेना छोड़कर आईएनए ज्वाइन कर ली। 1946 में आप हिंदुस्तान वापस आ गए।
यहां प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय सहयोग दिया। कोटलू ब्राह्मणा में आपका रिश्ता हुआ और फिर बाद में यहीं रहना आरंभ कर दिया। 10 वर्ष तक पीटीआई के पद पर स्कूल में नौकरी की। आप क्योंकि मैट्रिकुलेट नहीं थे, अतः रूल्स के अनुसार आपको पीटीआई की नौकरी से हटा दिया गया। आप बाद में पियोन के पद से रिटायर हुए। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होकर खूब देश की सेवा की है। इन्होंने गोलियां भी लगी हैं इनको, और इन्होंने उसके बाद वहां से रिटायर होकर फिर यहां और जॉब करी हुई है, पीटीआई की जॉब करी हुई है। और इनके बेटे भी फौज में जॉब करके फिर बाद में वो भी पीटीआई रहे हैं, और इनके पोता भी अभी फौज से रिटायर्ड होकर आए हैं। फौज में हुए, फौज से बाद जादिंद में हुए, जादिंद में इनको काफ़ी गोलियां लगी। गोलियां लगने के बाद ठीक ठाक होने के बाद जो है ये ठीक हो गए। सुभाष चंद्र की फौज में थे, वहाँ से आकर के ये अपने रिटायर आ गए। उसके बाद ये पीटीआई लगे हमारे स्कूल में, और इन लोगों ने इन्होंने बहुत अच्छा जो है हमारे इलाके में नाम, देश में नाम उचित किया है, और हमें बहुत गर्व है इनके ऊपर। इनके लड़का है कुलदीप शर्मा जी, वो भी मिलिट्री में रहे, मिलिट्री के बाद जो है अपने यहाँ पीटीआई लगे। पीटीआई आने के बाद इनके एक लड़का है जो मिलिट्री में है, अब वो भी मिलिट्री से रिटायर होके आ गया है। और हमें बब्बू जी का बहुत, यानी कि बहुत बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है कि इन्होंने जो देश के लिए जो काम किया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। सुखराम जी के पुत्र और पौत्र दोनों ने फौज के माध्यम से देश की सेवा की है। सुखराम जी हमसे बातचीत करने के लिए आतुर हैं। उम्र क्योंकि 99 के करीब है। बहादुर, देश के बहादुर जवान, विदेश के बहादुर जवान। स्वतंत्रता सेनानी श्री सुखराम जी मेरे पिता हैं। मैं इनका इकलौता बेटा हूं। मेरे 5 बहनें हैं जिनकी सभी की शादी हो चुकी है। मैं 22 मई 1974 को आर्मी में माता पिता की अनुमति से चला गया था। शुरुआती दिनों में 6 बच्चों को पालना मेरे पिताजी के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि हमारा इनकी छोटी सी नौकरी और हमारा खेती बाड़ी में ये समय गुजरता था। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई पूरी करते ही मैं आर्मी में चला गया। आर्मी में मैंने लगभग 16 साल तक अपनी सेवाएं दी। विभिन्न विभिन्न जगहों में मुझे जाने का मौका मिला। अमृति शर्मा जी से बातचीत करते हैं। आप सुखराम जी की बहू हैं। इस परिवार की बहू बनकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हैं। हमारे देश को और हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, सबको इनके ऊपर बहुत गर्व है। इस इलाके की प्रधान पुष्पा कुमारी जी के लिए भी सुखराम जी एक प्रेरणा स्रोत हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी इनसे ये प्रेरणा ले कि हमें इन्होंने जो आज़ादी दिलाई है हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जैसे इन्होंने देश को आज़ाद दिलाने में अपना भरपूर योगदान दिया है और इलाके में अपना नाम कमाया है, वैसे ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर नाम कमाए। ये हमारे दादाजी हैं, और इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, और वहाँ पे इनको 7-8 गोलियाँ लगी थी। उसके बावजूद इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत प्रयास किया, मेहनत की, जो आज हमें ये आज़ादी मिली। ऐसे देशभक्त रहे, और आज भी आज़ादी के उपरांत इनके 5 बेटियाँ और 1 बेटा है, और इन्होंने अपने बेटे को भी आर्मी में ही भेजा। इतना भी संकोच नहीं किया कि फ़ौज में क्या होता है, और कभी डरे नहीं, घबराए नहीं,
आगे इनका पोता वो भी आर्मी में सेवाएं दे चुका है और आज सेवानिवृत्त हो चुका है, तो हमें बहुत खुशी है, बहुत गर्व है इन पे। ये है अंजू देवी, सुखराम जी के परिवार की पड़ोसी। ये हमारे दादाजी हैं और हमें इन पर गर्व है, इन्होंने देश के लिए बहुत सेवाएं दी हैं और हम इनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। कौशल्या देवी इनकी भांजी हैं, इन्हें ऐसी महान हस्ती की भांजी होने पर गर्व है। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज में काफ़ी सेवाएं दी है और इन्होंने बहुत अच्छा, वैसे भी ये बहुत कर्मठ आदमी हैं और बहुत अच्छे हैं, परिवार भी इनका बहुत अच्छा है, इन्होंने काफ़ी मेहनत की हुई है हमारे गांव को और पंचायत को, सभी परिवारों को, रिश्तेदारों को बहुत गर्व है इनके ऊपर कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया और हमारे देश में नाम रोशन किया है। और इन्होंने फौज में बहुत नौकरी किया और 7-8 गोलियाँ लगी हैं इनको, इनके ऊपर हमारे को बहुत गर्व है, इन्होंने देश की बहुत सेवा की है। एक और बहू सुनीता कुमारी से बातचीत करते हैं। और इन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है, हमें इन पे गर्व है। और जो मेरे ससुर हैं वो भी आर्मी में थे और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी आर्मी में थे, तो मुझे इन सब पे गर्व है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। कुलदीप चंद शर्मा सुखराम जी के बेटे हैं और इन्हीं से प्रेरणा पाकर फौज में जाने का फैसला लिया। ये कहते हैं सुखराम जी ने जीवन में कभी हार नहीं मारी। मेरा पिताजी शुरू से ही बहुत कभी ना हार मानने वाले, इनका इरादा रहा है, हर कार्य में जितनी भी मुसीबतें आई, कुछ भी हुआ है, ये पीछे नहीं हटे। और हमारा कम पैसों की कारण भी इन्होंने हमारा पालन पोषण बड़े ही अच्छे ढंग से किया, हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। आज इनकी उम्र लगभग 98 साल है, 30 नवंबर 2021 को ये इनका 99 साल शुरू हो जाएगा। हम जितनी भी हो सकती है हम इनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, मेरा पूरा परिवार। अब जो हमारे गांव के इलाके के जो नौजवान बच्चे हैं, इनसे प्रेरणा लेके जो है मिलिट्री में जा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। हमें और हमारे इलाके को गर्व है कि जो सेवा इन्होंने देश के लिए की है वो हमारी अगली बच्चों की नई पीढ़ी जो है प्रकट करे। सुखराम जी का पड़पोता अर्णव शर्मा अपने दादा से बहुत प्रभावित है। मेरा नाम अर्णव शर्मा है, मेरा गांव कोचू ब्राह्मणा है, मैं मिनरवा पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरे परदादा फ्रीडम फाइटर हैं, इन्होंने देश की सेवा की। गांधी जी का मत था अहिंसा से ही स्वराज प्राप्ति होगी, कुछ और का मत था अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देने का। इन बातों से आज कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब का उद्देश्य एक ही था, आजादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। हां, राहें भले ही अलग अलग थीं, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमें अपनी बात कहने की पूरी छूट है, हम सब भारत देश के नागरिक हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। परंतु हम देशवासियों का इस आजादी के पर्व में क्या योगदान होना चाहिए, आज इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो क्या सोच रहे हैं, अब अभी से शुरू करते हैं।